God did with Israelites. अगर आप लोग इस्राएल दास्तान में अल्लाह के ऐसे हैं, वही जहाँ समीर शाता मरफात मरफात होगा मरफात होगा तो क्यों कि हमने पहाड़ के साथ घर मार के दिया, इसका लेकिन वहाँ पहाड़ चला जा सकता है, मुश्किल नहीं आए। फिर उसने ये किया कि अच्छा देखो तू मुझे अल्लाह नहीं मानते, तू 200 बंदे चुन लो, उन्होंने 200 बंदे चुने, पूरे सीना पर उसका बाकी लोग फिटनेस हो जा, फिर बाहर मुस्ताहिद हुआ कि जरूर तुम देख रहे थे तुम कोई काम दिखा लिया, काम दिखा लिया उन्होंने नीचे चुनाए कि हमारे तो सारे सरकार चले एक अच्छा में दोबारा चला जाए God is home, may the job be done. हम उसकी मौजूदगी से उसे पहचान, उसकी मौजूदगी पर आत्मी दलाइल मौजूद है, उसके छोटा छोटा होने से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई चींटी हो तो मैं काम वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो होता है। अगर वो एक अफरीत हो बहुत बड़ा वो साइंस से भी डरा, खुदा के आदमी उसको साइंस से भी डरा, वो अपने हिल्म और हिम्मत और रंग और सिफात में आलिया से काम करता है, वो वजूद से काले ना हम उसके बारे में जान सकते हैं ना ही खुदा अपने वजूद के बारे में हमें खबर देता है, क्योंकि कुल कभी जुज पर नहीं, जुज के इंतवाल में नहीं आता। हम खुदा को कभी प्रूव कर सके नहीं सकते, अलबत्ता वो वक्त में जरूर वक्त में जब हमें अपना इतरा अदा कर सकते, और यही खुदा ये आपने लिखा कि और अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में कई मरातबा और यह अल्लाह ताला ने मुलाकात का शुमार इसलिए बिल्कुल नहीं किए कि वो इनके जरिए खुदा को पहुंच सके। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इसलिए नहीं किए उन लोगों ने, बल्कि अपनी जबिलतों से खौफजदा होकर कोई सख्त ट्रेनिंग अपने ऊपर मुसलत कर हुआ ये चेत बनी अल्लाह को भूख बड़ी लगती थी, तो उसने सोचा कि मैं चार रोटी देखता हूँ फिसल जाता हूँ, तो उसने आया भी ये किया कि मैं फाट कर दूंगा इतने की काम कर, तो उन्होंने असल में ये हुआ उनका अल्लाह से जिनमें एक्सट्रीमिटीज मौजूद है, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको पता था कि हमने ये तनाकस मौजूद है, तो उन्होंने इसलिए अपने ऊपर सख्ती की ये अल्लाह के लिए नहीं की, अपने ऊपर अपनी आदात को संवारने के लिए, वरना जो एक रात से गुजरे उन प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं, किसी सहाबी के कोई एक्स्ट्रा आर्डनरी बरात की कोई जरूरत नहीं, जिन्होंने एक मुदाने से एक अदाल और मोहब्बत से अल्लाह के करीब जाने कहा उनके लिए सब रास्ता खुला था, वो एक सीधे चाहते अपनी जिंदगी से और एक कसम से ले जाने राह से जो अल्लाह ने उसको तरीका बताया था कि फतकुल्लाह फयाकुम व कौलुहु अला जुनूबिह, मोहब्बत और जिक्र इलाही से अल्लाह का ये सख्तियाँ ये मशक्के ये कुछ औलिया अल्लाह का इसीलिए करीना रहा कि वो खौफजदा है अपने आप से, उन्होंने अपने ऊपर मशक्कतें नहीं दी जैसे बनो इसराइल और क्रिश्चियन ने नहीं दी, फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने इनको ये नहीं कहा था कि तुम मशक्कत उठाओ, फिर इनमें से कुछ निभा ले कुछ नहीं निभा सके, रहता नहीं रहता फिर इस्लाम इस्लाम में तर्क नहीं था ना सरू रहता इस्लाम में पाता कशी, पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी वजूहत थी, वरना अल्लाह के बतेरे बने ऐसे गुजरे जो बहुत ना बहुत ही ना शाहिर अब्दुल आजम शादी का एक छोटा सा वाक्य इमाम मगरब कहते हैं
فرماتے ہیں آپ کی رسولوں اور بندیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس لیے نہیں چلتے کہ وہ قرآن کریں گے ولی اور بیوی یہ بازاروں میں اس لیے خرید و فروخت نہیں کرے کہ ولی کو بھی آلو گوبھی کی ضرورت ہے. تو بڑے بڑے جو بکرے ہمارے یہاں ہیں وہ بازاروں سے چلتے بڑے آہستہ چلتے بڑے بوجھل چلتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے خدا کے بڑے لا رہے. کیا اپنی زبان سیکھنا تبصرہ اور تفہیم حاصل کرنا توجہ اور تفہیم حاصل کرنا مسلمان اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے؟ یقیناً ہے. اگر شروع سے ماحول ایسا ہوتا تو یقیناً جانے کے لیے ایک لینگویج ہوتی اور اس کا سیکھنا پڑھنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا. یہ بچپن کی سطح سے بچہ ایک ساتھ 14 لینگویجز سیکھ سکتا ہے اور 4 پہ مکمل حاصل ہو سکتا ہے. اگر ہمارے نظام اچھے ہوتے ہم مسلمان اچھے ہوتے اور ہمارے روح اللہ کی طرف ہوتے شروع سے ہم علم و دانش کی بنیاد ڈالتے اپنے بچوں کو عربی فورسیبلی نہ سکھاتے مولویوں کے ہاتھ دوسرے پڑھوا کے نہ سکھاتے تو یقیناً وہ اس سے ایک لینگویج کی قدرت حاصل کریں گے اس میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے بڑی دانشور ہوتے. اب تو گاگرا کے سوا قرآن کا کوئی احساس ہمیں موجود ہی نہیں ہے اور وہ بھی بیچارے بہت سے بچے جو ہمت کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ سالمانہ طریقے سے حفظ کیا ہوا قرآن ہمیں جلد سے جلد بھول جائے. تو یہ طریقے لازمی کے نہیں ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آج غلام ہے لذت کے قرآن مجبور کہ غلام سے لذت کے قرآن بس طلب کر گھر سے باشی حافظ قرآن مجبور چاہے وہ حافظ قرآن لکھے. ایک مجلس میں جب بہت سارے بچوں کو قرآن اس لیے پڑھایا جائے گا کہ اس کے بعد چاول کی پلیٹ ملے وہ کیا قرآن ہے وہ کیا قرآن ہے وہ کیا سنس ہے جو یہ بچے پائیں گے وہ کیا علم ہے جو ان کی دانشوری میں پہنچے. یہ غلاموں کا مذہب یہ غلاموں کا سیکھا ہوا قرآن اس قرآن سے صرف چاولوں کی خوشبو نکلے. راجہ ٹائم سے 47 سال گزارا کر چکا اب کیا کریں؟ میرا خیال ہے اب سیکھنے کی عمر نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا اب ہوا مقصا 40 برس کا یعنی زور کی عمر پر پہنچا. ابھی تو آپ پہلے سمے سے آپ اللہ کے نظر ابھی تو بات کریں مدد ملے. مگر اگر کوئی ایسی یا کوئی ایسے اسکول یا کوئی
लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसी दुआ दे कि हमारी कोशिश में ताई के पर्वत निगाह शामिल हो जाए, तो ऐसे निश्चित हैं मेरे पास, ऐसे तो हैं। करने में भी मदद कर सकती है। आज यह है कि मेरा ख्याल यह है कि मैं दिवाली बहुत सारे लोग जो शायद मेरे पास आए ना आए उनको ये पता है कि मेरा तशखीस का एंगल इतना डिफरेंट है। अब देखिए हम डिफर फ्रॉम डॉक्टर साहब ऑन अ फ्यू पॉइंट्स कि डॉक्टर साहब का एक लॉजिकल और बड़ा ही नेचुरल नॉलेज के मालिक और उन लोगों की मदद से वो कुछ हकाय के ऊपर अपनी जजमेंट की बुनियाद और यकीन खुद का इल्म इस राह से बहुत बेहतर और साइंटिफिक है कि वो एक फैक्चुअल हैसियत से अपनी दलील दे रहे हैं। मगर हमारा रास्ता जो है बीमारी की उन बुनियादी अनासर से है जो कॉन्स्टेंटली इंसान के बातें परेशान और लड़का रहते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन जहन और ख्याल में किसी भी पेशेंटी को फिजिकल और मेंटल पेशेंटी को जन्म दे सकती है। तो इस लिहाज से शायद मैं थोड़ी बहुत इतनी बसीरत शायद मुझे अता ही हो कि मैं बहुत सारी बीमारियों की तशखीस कर सकता हूँ या कह सकते हैं आगे दुरुस्त होना ना बोझा अल्लाह की मदद। अगर कोई इंसान इस हद तक मुसलमान है कि वो कलमा कौ है और इस्लाम के बुनियादी अरकान को जज्बाती तौर पर सही मानता है तो उसके आखिर उसकी बख्शिश की क्या चाहिए 200%। इसलिए अगर एक तरह के रसूलुल्लाह सलम की हदीस मुबारका है कि जिसने दिल से एक मरतबा भी इसमें आना शामिल है, जिसने एक मरतबा भी दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया उस पर दो जख्म की आग आ रहा है। तो हजरत अब हरियाणा में आज की याद चाहे उसको